हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 पर विचार करेंगे। अर्जुन वाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। तो यहाँ पर अर्जुन वाच यानी अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् कि हे महाबाहो, श्री कृष्ण को अर्जुन महाबाहो कह करके संबोधित कर रहे हैं, जिसकी विशाल भुजाएं, तो हे विशाल भुजाओं वाले श्री कृष्ण, मैं सन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन, और हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, त्याग का तत्व पृथक से जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन अभी सन्यास और त्याग के तत्व पृथक रूप से जानना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में काफ़ी भ्रांति हो गई है। सन्यास और त्याग ये दोनों शब्द एक ही अर्थ वाले हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि इनको जो है अलग अलग इन अलग अलग शब्दों का वे जो है तत्वों को अलग अलग जानना चाहते हैं। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगिनाम अपि सर्वेषाम, समर्थ योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान वैराग्य अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में ये कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवद गीता के तृतीय खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उद्धरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जनाते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता या प्रणेता साक्षात भगवान हैं और वही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना या सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग यानी वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट उत्तर जानने के इच्छुक हैं, यह है त्याग तथा सन्यास। अतः वे इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहे हैं। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वे समभाव में स्थिर रहें। फिर भी उनके मन में कुछ संशय हैं, और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतः वे
श्री कृष्ण को केशी निशूदन कहकर संबोधित करते हैं। केशी अत्यंत दुर्जे असुर था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहते हैं कि वे उनके संशय रूपी असुर का वध करें। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक के प्रारंभ में शब्द हैं अर्जुनः उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि यज्ञ दान तपस्या तथा अन्य कर्म भी यदि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं किए जाते हैं तो इनको करने पर भी श्री कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त होती है तथा इस प्रकार ये सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने जो यह बात बताई कि यज्ञ दान तपस्या तथा अन्य कर्म भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, तो यह बात संन्यास तथा त्याग इन दो प्रकार के निष्ठाओं में से किसके अंतर्गत है। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दो प्रश्न किए हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है अर्जुन का वो क्या है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, अर्थात हे महाबाहु मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे महाबाहु श्री कृष्ण मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। महाबाहु शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं अत्यंत बलशाली हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से संन्यास के संबंध में जिज्ञासा करते हुए श्री कृष्ण के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। संन्यास के संबंध में श्री कृष्ण के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है वो अपने घर परिवार से सारे संबंध तोड़ लेने के पश्चात केवल श्री कृष्ण के ही आश्रित रहता है। वो सन्यासी सोचता है कि चूँकि श्री कृष्ण महाबाहु हैं अर्थात श्री कृष्ण की बलिष्ठ भुजाएं हैं, अतः श्री कृष्ण प्रत्येक समय तथा प्रत्येक स्थान में उसकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से संन्यास के तत्व की जिज्ञासा कर रहे हैं। भागवत के सातवें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 में कहा गया है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने में सक्षम हो उसे सारे भौतिक संबंधों का त्याग कर देना चाहिए और शरीर का पालन करते हुए उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। सन्यास धारण किए हुए व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र तक का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उसे कुछ पहनना भी पड़े तो उसे कॉपिन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, और यदि आवश्यक ना हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडलू के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वो द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित ना होकर उसे श्री कृष्ण का शांत तथा अनन्य भक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे महाबाहु श्री कृष्ण मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से संन्यास के तत्व की जिज्ञासा कर रहे हैं। भागवत के पांचवें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को सिंहासन पर बैठाया कि वह सारे संसार पर शासन करे, उस समय वे घर में रहते हुए भी पागल के सदृश नंगे तथा बाल बिखेरे
रहने लगे। फिर विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। उस समय वे मनुष्यों के समाज में अंधे, बहरे तथा गूंगे अथवा पागल के समान विचरने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते थे, परंतु वे मूक बने रहते थे और किसी को कुछ भी नहीं बोलते थे। वे जहाँ भी जाते थे, उन्हें दुष्टजन उसी प्रकार से घेर लेते थे जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियाँ घेर लेती हैं। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते थे, परंतु वे इसकी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि शरीर का यही अंत है। वे आत्म पद पर स्थित थे। उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि देह तथा आत्मा पृथक पृथक हैं। वे देहात्म बुद्धि से ऊपर थे, अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। ऋषभ देव ने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया। अब दूसरा प्रश्न अर्जुन का। श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केशी निशोधन, अर्थात हे हृषीकेश, हे केशी निशोधन, मैं त्याग के तत्व को भी पृथक रूप से जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से त्याग के संबंध में जिज्ञासा करते हुए श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऋषिकेश शब्द का उपयोग त्याग के ही संबंध में उपयुक्त है, क्योंकि ऋषिकेश शब्द का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी तथा त्याग शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना। ऋषिकेश शब्द का उपयोग संन्यास के संबंध में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सन्यासी तो श्री कृष्ण की चेतना में मूर्ख तथा पागल की भांति आचरण करता है। वो तो श्री कृष्ण की चेतना में शरीर छोड़ने की तैयारी करता है, परंतु जो सन्यासी ना होकर त्यागी होता है, वह सोचता है कि चूँकि श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, अर्थात उसकी इंद्रियों के स्वामी हैं, अतः श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने से उसकी इंद्रियाँ स्वतः संतुष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से त्याग के संबंध में जिज्ञासा करते हुए श्री कृष्ण के लिए केशी निशोधन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। केशी निशोधन का अर्थ है श्री कृष्ण जिन्होंने केशी नामक असुर का वध किया है। केशी नामक असुर जिस समय अत्यंत भयानक घोड़े के रूप में आकर संपूर्ण ब्रजवासियों को भयभीत कर रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही उसके मुख में अपना बायां हाथ डालकर उसका वध कर दिया। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के लिए अपने भक्तों के संकट दूर करना एक खेल है अथवा उनके बाएं हाथ का कार्य है। त्याग के संबंध में श्री कृष्ण गीता 18:58 में कहते हैं, यदि हम उनके चरणों में अपने मन को लगाएंगे तो श्री कृष्ण अत्यंत आसानी से हमारे संकटों को दूर कर देंगे। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अपने बाएं हाथ से ही केशी असुर का वध किया था, त्याग की विधि में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रुओं का वध पहले से ही हो चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र बनो तथा यश प्राप्त करो। त्याग की विधि में हमें श्री कृष्ण से प्रार्थनाएं करनी होती हैं कि वे शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से त्याग के संबंध में जिज्ञासा करते हुए श्री कृष्ण के लिए केशी निशोधन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं संन्यास तथा त्याग इन दोनों के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। गीता 3:3 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उन्होंने पिछले अध्याय में अर्थात दूसरे अध्याय में दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया था। पहली निष्ठा है सांख्य योग की अथवा ज्ञान योग की, तथा दूसरी निष्ठा है कर्म योग की। सांख्य योग अथवा ज्ञान योग की निष्ठा का वर्णन श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक किया था, तथा कर्मयोग की निष्ठा का वर्णन श्री कृष्ण ने
दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 39 से अध्याय की समाप्ति पर्यंत किया था। चूँकि अर्जुन इन दो अलग अलग निष्ठाओं को दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा वर्णन करने पर भी नहीं समझ सके थे, अतः अर्जुन यहाँ पर उसी विषय को पुनः श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन संन्यास तथा त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहते हैं। ये बात समझने की है कि जिस भरी निष्ठा का वर्णन श्री कृष्ण ने सांख्य के नाम से किया था, उसी निष्ठा को अर्जुन यहाँ पर संन्यास का नाम दे रहे हैं, तथा जिस दूसरी निष्ठा का वर्णन श्री कृष्ण ने योग अथवा कर्म योग के नाम से किया था, उसी निष्ठा को अर्जुन यहाँ पर त्याग का नाम दे रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने भी पहली निष्ठा का वर्णन कभी सांख्य के नाम से किया है, कभी संन्यास के नाम से किया है, कभी ज्ञान योग के नाम से किया है, तथा उन्होंने दूसरी निष्ठा का वर्णन कभी कर्मयोग के नाम से किया है, कभी योग के नाम से किया है, कभी कर्म फल त्याग के नाम से किया है, तथा कभी बुद्धि योग के नाम से किया है। तो श्री कृष्ण ने जिस प्रकार गीता के दूसरे अध्याय में उक्त दो निष्ठाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार उन्होंने इस 18वें अध्याय में भी श्लोक संख्या 4 से लेकर श्लोक संख्या 48 तक दूसरी निष्ठा का अर्थात त्याग का वर्णन किया है, तथा श्लोक संख्या 49 से लेकर श्लोक संख्या 55 तक पहली निष्ठा अर्थात संन्यास का वर्णन किया है। परंतु फिर श्लोक संख्या 56 से श्लोक संख्या 72 तक पुनः उन्होंने दूसरी निष्ठा अर्थात त्याग का वर्णन किया है, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी निष्ठा अर्थात त्याग की आवश्यकता है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ रहते हैं तथा हमारी रक्षा करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संन्यासेर तत्व केवा इच्छा से सुनिते ऋषि केश कह ताई मोरे भुजाई ते केशी निशूदन कहा त्यागेर महिमा सुनिते आनंद है नाही परिसीमा। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, सुनिते आनंद होए नाही परिसीमा, अर्थात हे श्री कृष्ण, यदि मैं आपसे त्याग तथा संन्यास के तत्वों का पृथक पृथक वर्णन सुनूंगा तो मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो इस श्लोक में 18वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न है या अर्जुन की इच्छा, अर्जुन अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, क्या संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम, कि हे महाबाहु मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश है पृथक केशी निशोधन है, और त्याग का तत्व पृथक से जानना चाहता हूँ, है ना। तो इस श्लोक में भगवान संन्यास का और त्याग इन दो तत्वों का पृथक पृथक वर्णन कर रहे हैं। तो संन्यास का जो वर्णन है ये भगवान आगे चल करके इसी अध्याय में श्लोक संख्या 49 से लेकर के श्लोक संख्या 55 तक करते हैं संन्यास का वर्णन, है ना। और जो त्याग का वर्णन है वो श्री कृष्ण इस अध्याय में पूरे अध्याय में करीब करीब पूरे अध्याय में ही वर्णन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान को जो है अर्जुन ने तीन नाम दिए हैं। पहला नाम क्या है, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले। तो श्री कृष्ण चूँकि विशाल भुजाओं वाले हैं, उनकी भुजाएं बहुत ही विशाल हैं, तो इसीलिए महाबाहु भगवान महाबाहु के नाम से विख्यात हैं, कि जो संन्यास आश्रम ग्रहण करता है तो वो पूरी तरह से कृष्ण के आश्रय में आ जाता है। तो चूँकि श्री कृष्ण आश्रय देने वाले हैं तो इसलिए श्री कृष्ण को महाबाहो शब्द से पुकारा जाता है। तो श्री कृष्ण के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग हर मामले में किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी मामला हो, किसी प्रकार
की समस्या हो, है ना। तो श्री कृष्ण की भुजाएं बड़ी विशाल हैं, उनकी भुजाएं बड़ी लंबी हैं, है? तो भगवान जो है महाबाहु इसलिए कहे जाते हैं, और अपने भक्त को वो निकाल लेते हैं। तो भौतिक संसार का जो स्वभाव है वो यही है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हर समस्या में पहले भी अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को पुकारता रहे तो फिर समस्याएं जिस समय आएंगी तो उस समय उसे फिर श्री कृष्ण को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण स्वयं उसकी पुकार सुन करके आते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।